इसको अप्लाई करते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला किया, किसी बॉडी की कैपेसिटी क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहला टॉपिक है, पहली डेरिवेशन कह सकते हो, टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इसकी आपने अर्थिंग कर दी, इसके ऊपर आपने चार्ज दिया क्यू, बाय इंडक्शन इसके ऊपर माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी, पैरेलल शीट ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है इन दो प्लेट्स के बीच में, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किया हुआ है। मैंने कहा भी था गॉस थ्योरम में एक रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ये वही रिजल्ट है। तो ई की वैल्यू आ गई, दो प्लेट्स में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितने है, डी। दो प्लेट्स में सेपरेशन क्या है, डी। पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव पोटेंशियल और कंडक्टिंग प्लेट इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। कंडक्टिंग प्लेट के यहाँ 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 जहाँ मर्जी पोटेंशियल निकालो वो सेम ही होएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस नेगेटिव पोटेंशियल। ये भी क्लियर है यहाँ तक, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल, तो इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया क्यू और एरिया क्या है इसका, ए। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है इस पूरे अरेंजमेंट की, तो हमने चार्ज पहली प्लेट पे दिया क्यू, वो तो बाय इंडक्शन है, वो तो मेरी मजबूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की वजह से मेरे को रखनी पड़ती है, पर एक्चुअल में मैं चार्ज यहाँ स्टोर करना चाहता हूँ क्यू, तो Q को दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मेरे पास पूरे अरेंजमेंट की क्या आ जाएगी, कैपेसिटी। तो Q को किससे डिवाइड किया, पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज देखने वाली है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें फॉर्मूला में ये यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक काम करते हैं, मैं इस प्लेट से इस प्लेट पे चलता हूं, क्योंकि मैं यहां से यहां गया तो ये मेरी प्लेट कौन सी प्लेट है, इनिशियल, और ये क्या है मेरा, फाइनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा हूं, तो इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी नेगेटिव। जो फाइनल पॉइंट है उस पे पोटेंशियल कितना है, वी नेगेटिव, और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी पॉजिटिव, क्योंकि मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब चांस की बात है कि वी नेगेटिव फाइनल पोटेंशियल है, हम वो अलग बात है कि चाहिए मेरे को ये, पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को क्या लगाना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्योंकि मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, तो नेगेटिव मेरा फाइनल है और प्लस मेरा इनिशियल है। तो ये स्टेप समझ में आया सबको, चाहिए मेरे को ये, पर निकालना मेरे को ये पड़ रहा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई वेक्टर इस डायग्राम में कहां है, राइट, और मैं भी कहां जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट। ई और डी आर में एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो ओपन करेंगे ई डी आर कॉस जीरो, कहां से कहां जा रहे हैं, जीरो से लेके डी तक, क्योंकि दो प्लेट्स में डिस्टेंस कितना है, डी है। तो यहां से ई कांस्टेंट है, क्योंकि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वन डी आर की इंटीग्रेशन डी है, आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि मैं छोटे पोटेंशियल में से बड़े पोटेंशियल को क्या कर रहा हूं, माइनस। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है, एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लो, इसको भी उल्टा कर लो, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या आ गया, v प्लस माइनस v माइनस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, e इंटू टी। कोई डाउट इसमें? तो मैं रिपीट करता हूं, अगर इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो मेरे को क्या करना है, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। फिर मुझे ये चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस ई डॉट डी आर। यहीं से पता लग रहा है, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे तो माइनस साइन उसको एडजस्ट करने वाला है, ई और डी आर राइट की तरफ है, एंगल जीरो, और इंटीग्रेट करके माइनस ई डी, पर क्योंकि मेरे को इसका उल्टा पोटेंशियल निकालना है, तो ये माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। तो अब इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्या, क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या आ गया, ई इंटू डी, यहां पर क्या पुट कर दिया, ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज से चार्ज क्या हो गया, कैंसिल,
तो आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय फॉर्मूला सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो फॉर्मूला बुकलेट में बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अगर मैं प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कम कर दूं, डी कम कर दूं, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं तो भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी।